मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज ईवीएस ऑनलाइन क्लास। डियर चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट होम। डियर किड्स, आर चैप्टर 3 ऑफ ईवीएस आर फूड इज गोइंग ऑन। हमारा चैप्टर 3 आर फूड चल रहा है, जिसमें हमने क्या की है, रीडिंग कर ली है, बुक एक्सरसाइज की है, कीवर्ड्स कर लिए हैं एंड वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी किया है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो आपकी बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Pay attention everyone, look at the board very carefully and listen to me very attentively. Okay, so our first question is, why do we need food? Why do we need food? हमें food क्यों चाहिए? आपने chapter read किया है, ठीक है, आपने थॉरली रीड किया है चैप्टर को, तो आपको पता है कि हमें फूड क्यों चाहिए। क्यों चाहिए हमें? फूड ग्रो करने के लिए, ठीक है। अगर फूड हम लेते हैं, अगर हम खाना खाते हैं, तो हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है, हम बढ़ते हैं। सो आवर आंसर इज वी नीड फूड टू ग्रो अप। हमें फूड क्यों चाहिए? हमें फूड ग्रो करने के लिए चाहिए, हमें बढ़ने के लिए फूड की जरूरत होती है। और क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड क्यों चाहिए, फूड की नीड क्यों है? आंसर इज वी नीड फूड टू ग्रो अप, हमें बढ़ने के लिए फूड की जरूरत है, नीड है। ओके, क्वेश्चन टू, What are energy giving foods? What are energy giving foods? Energy giving foods क्या होते हैं? आपको पता है कि what are energy giving foods? जो food हमारी body को energy देते हैं, those are called energy giving food. ठीक है, answer simple है कि जो food हमारी body को energy देते हैं, उन फूड्स को क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। ठीक है, सो आवर आंसर इज फूड्स विच गिव अस, वो फूड जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड्स विच गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, वो फूड जो हमें वर्क एंड प्ले करने के लिए एनर्जी देते हैं, आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। उन फूड्स को क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है। ठीक है, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स? फूड्स विच गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जो फूड हमें वर्क एंड प्ले करने के लिए एनर्जी देते हैं, उन फूड्स को क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है। क्लियर? क्वेश्चन 3, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट क्या है? ओके, मैंने आपको बताया था कि बैलेंस का मतलब होता है इक्वल, डाइट का मतलब होता है फूड। तो बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? आंसर इज अ डाइट, डाइट मींस फूड, अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मींस विटामिन मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? वो विटामिन्स और मिनरल जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए जिनकी नीड होती है। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। वो डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं, उन उस फूड को क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड डाइट बोला जाता है।
ठीक है, अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। वो डाइट, वो फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स एक इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, उस फूड को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। क्वेश्चन फोर इज नेम द फूड वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। नेम द फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें कौन सा फूड मिलता है? ठीक है, फूड्स या तो हमें प्लांट से मिलता है या हमें एनिमल से मिलता है, तो हमें यहाँ पे कौन से फूड का नेम राइट करना है जो हमें एनिमल से मिलता है। सो आंसर इज वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम द एनिमल। एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं और मीट मिलता है। ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। सो वंस अगेन वी विल रिकॉल क्वेश्चन वन, व्हाई डू वी नीड फूड। आंसर इज वी नीड फूड टू ग्रो अप। क्वेश्चन टू, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स। आंसर इज फूड्स विच गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। क्वेश्चन थ्री, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। आंसर इज अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। क्वेश्चन फोर, नेम द फूड वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। आंसर इज वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम द एनिमल। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर फोर क्वेश्चन आंसर। यू हैव टू राइट दीज आंसर्स इन योर ईवीएस बुक। ये वर्क आपको बुक में करना है बिकॉज स्पेस इज गिवन इन योर बुक। आंसर राइट करने के लिए आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? स्पेस दिया हुआ है। तो आपने ये आंसर अपनी बुक में ही राइट करने हैं और इनको लर्न भी करना है। ओके?